अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और संजय राउत की तस्वीर जब वायरल हुई, सोशल मीडिया पर ये दावा किया जाने लगा कि अब नवनीत राणा को शिवसेना की तरफ झुकाने की कोशिश संजय राउत कर रहे हैं। ये खबर सामने आने लगी कि अब संजय राउत नवनीत राणा को उद्धव सरकार के साथ जोड़कर ही मानेंगे। और तो और, सोशल मीडिया पर ये कहीं ना कहीं दावा भी किया जाने लगा कि नवनीत राणा का झुकाव शिवसेना की तरफ हो सकता है। ऐसी तमाम खबरों और दावों के बीच में नवनीत राणा ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। जी हां, उद्धव सरकार को बख्शने के लिए नवनीत तैयार नहीं है। अपनी गिरफ्तारी के मामले को लेकर बीते कल लोकसभा की संसदीय विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुई नवनीत ने शिवसेना पर उद्धव सरकार पर हमला बोला है। जी हां, नवनीत राणा ने इस समिति के सामने खुले तौर पर बता दिया कि आखिर उनके साथ जेल में महाराष्ट्र पुलिस ने किस तरह से उद्धव सरकार के इशारों पर काम किया है। मिली जानकारी की माने तो यहाँ नवनीत राणा ने पुलिस कमिश्नर पर भी सवाल उठाए हैं। पुलिस कमिश्नर द्वारा जुल्मों की गाथा इस समिति के सामने सुना दी है। मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे पर नवनीत ने हमला किया है और कहा है कि संजय पांडे ने सरकार के इशारे पर संविधान की हत्या की, मेरे खिलाफ अत्याचार करने के लिए सभी गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। नवनीत राणा ने संसदीय विशेषाधिकार समिति के सामने उद्धव सरकार पर जिस तरह से हमले किए हैं, उनसे मालूम पड़ रहा है कि चुनाव चाहे बीएमसी के हों, लोकसभा के हों या विधानसभा के, नवनीत के तार शिवसेना के साथ कतई जुड़ने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।